Hello everyone, welcome to the another session of PYQ. And in this video, we will discuss 2018 ratio proportion variation question. So there are total three questions I found, and let's start the discussion. So yeah, this is the first question. Read it, guys, and please do solve by yourself firstly, then check the solution. Otherwise, you won't be able to develop your own approach. So it is better to solve first by yourself, then check the solution. And same things do with the remaining two questions. So let's start the first question. The scores of Amal and Bimal in examination are in the ratio of 11 is to 14. After a appeal, their score increases by the same amount. Very good. Their new scores are in ratio of 47 is to 56, the ratio of Bimal new score to his original score. So we have to find ratio Bimal ka new score and original score. So very easy question, not a very difficult one. So we have Amal and Bimal, and the score of ratio is given. So let's suppose Amal score 11x and Bimal score 14x. 11 for Amal score 11x, Bimal score 14x. But after an appeal, their score increased by same amount. So let's assume that their score increased by a amount, and their new score are in ratio 47 is to 56. So this total become new score, and this ratio is 47 by 56, and we have to find Bimal ka new score. So this is the Bimal new score, that is 14x plus a, and his original score. So original score is 14x. 14x. So we have 14x. So this one we have to find it. So one approach is that isko solve kare. ए और एक्स में कुछ रिलेशन आएगा, पुट करेंगे, फाइंड आउट हो जाएगा. दिस इज अ वन अप्रोच आई एम गेटिंग. अनदर अप्रोच इज दैट इज अ शॉर्टकट. सो थिंक्स अबाउट दैट, दिस टर्म एंड दिस टर्म इन द हेयर नंबर इज वेरी स्मॉल नंबर. सो कह रहे मेक अ ट्रायल ट्रायल एंड एरर ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. सो लेट सपोज आई पुट एक्स इक्वल टू 4. सो 11 फॉर 44 एंड 11 फॉर 44 एंड वी हैव टोटल 47. सो ए वैल्यू इज 3. चेक करते हैं यहाँ पुट करके. सो 14 फॉर 56 एंड प्लस 3 57. 56 प्लस 3 59, लेकिन यहाँ पे 56 है. सो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेट्स पुट एक्स इक्वल टू 3. एक्स इक्वल टू 3. सो 11 3 जा 33 एंड टोटल 47. सो 33 प्लस 14. सो यहाँ पे ए का वैल्यू आ जाएगा 14. एक्स ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसको करते हैं. अभी यहाँ नया वैल्यू, सो एक्स इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 14 यहाँ पुट करते हैं. सो एक्स इक्वल टू 3, तो 14 3 जा 42 एंड प्लस 14 दैट इज 56 सेटिस्फाई. सेकेंड वैल्यू जो हमने अज्यूम किया वो सेटिस्फाई कर गया. सो आई गॉट वैल्यू ऑफ एक्स और ए यहाँ पुट कर लेते हैं. सो 11 थ्री जा 42, हाँ प्लस ए 14 एंड 14x दैट इज 42. तो 56 डिवाइडेड बाय 42, सॉरी 42 ना, 42 वन सेकेंड, 42 कैंसिल करते हैं. 14 चौके 56, 14 34 बाई 4 बाई 3, इस मीन 4 into 3 डेट इज ऑप्शन सी. अगर ये आपको जैसे चीजें नहीं क्लिक हो रही है जल्दी, तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग्स एंड यू गॉट रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स. एंड जस्ट किसी भी टर्म को, जैसे ए का वैल्यू एक्स में, एक्स के टर्म में लेकर यहाँ पुट कर दो, या फिर एक्स का वैल्यू ए के टर्म में लेकर यहाँ पुट कर दो, आपको ये कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा. ए या एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यू गेट दिस वैल्यू इजीली. लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा.
तो हमने थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन पे, ये ऑप्शन नहीं मतलब यहाँ जो जो एक्सप्रेशन आया उससे हमने प्ले किया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। बट देन सेकंड क्वेश्चन पे सो रीड करते हैं। राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल इन द रेशियो ऑफ 4:9 पूल। देन ललिता ललिता गिव सम ऑफ हर मार्बल टू राजू। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल विथ राजू टू डैट विथ ललिता बिकम 5:6। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल वॉज गिवेन बाई ललिता टू राजू। सो वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। नाउ राजू, सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन लाइक विद सिमिलर प्रीवियस, या सिमिलर काइंड्स ऑफ। सो राजू एंड हियर इज ललिता एंड द रेशियो मार्बल हेड इज 4:9। सो लेट्स 4x एंड 9x। राजू एंड ललिता के पास मार्बल है एंड ललिता गिव सम ऑफ हर मार्बल टू राजू। तो लेट सपोज ललिता गेव ए मार्बल, राजू के पास प्लस ए हो जाएगा ना, यहाँ से ए इसने सब दे दिया, तो इसका सब्ट्रैक्शन इसका एडिशन। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ मार्बल ऑफ राजू टू डेट ऑफ ललिता बिकम 5:6 इक्वल टू 5:6 एंड वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल नंबर मार्बल ललिता गिवन। ओके, मतलब ए ए बाई 9x, ए दिया आउट ऑफ टोटल, इसका फ्रैक्शन पता करना है। सॉल्व करते हैं, तो 24x प्लस 6a इक्वल टू 45x माइनस 5a, सॉरी, एंड दिस वन इज 6a एंड तो सो 11a एंड दिस वन इज 21x, ए इक्वल टू 21x बाई 11। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं ए का, 21x बाई 11 बाई 9x। तो 21x 11 इंटू 9x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, थ्री सॉरी 7 3 3 3, अब और तो कोई कैंसिल नहीं होगा, नहीं तो 7/33 ऑप्शन है, या बी, इट इज ऑप्शन बी। सो वी गॉट आवर आंसर 7/33। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस भी सेम, बस थोड़ा सा वैल्यू एंड क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज थर्ड थर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं। टू टाइप ऑफ टी ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी। द प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2 एंड 5% इफ दिस रेशियो इज 2:3। द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। ओके, सो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। नाउ देयर आर टू टाइप्स टी ए एंड बी, वी डोंट नो द कॉस्ट, लेट्स अज्यूम कॉस्ट ए बी। नाउ द प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर इन मिक्स इन रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ रेशियो दिया है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इजी करने के लिए यहाँ पे जो रेशियो है, लेट सपोज कि ए और ए का अमाउंट 3 kg और बी का अमाउंट 2 kg ही मिक्स किया, ये चीजें तो हम ले ही सकते हैं ना इजी करने के लिए, अदरवाइज आप इसको वेरिएबल हो सो वो डिफिकल्ट में चला जाएगा। तो लाइक इन फर्स्ट में 3 और 2 टोटल हो गया 5, मिक्सचर को सोल्ड कर रहा है 40 kg में, सो 40, सो दिस इज 200, 200 सेलिंग अमाउंट गॉट। बट इन दिस सिनारियो 10% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स दैट जो कॉस्ट अमाउंट होगा उसका 11/10 इक्वल टू 200। कॉस्ट अमाउंट कितना होगा, 3 kg रेट ए तो 3a, 2 kg रेट बी तो 2b,
3a प्लस 2b इंटू 11/10 इक्वल टू 200। सेकेंड में 2:3, यहाँ पे भी सेम वैसे ही लेते हैं 2:3, कोई मतलब 2 kg ही ये का लेते हैं, बी का 3 kg। नो नीड टू टेक एनी वेरिएबल थिंग्स बिकॉज वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। सो यही चीज है ना, हम अपने को सीखना है कि कहाँ पे मैं वेरिएबल लू कहाँ पे ना लू, ये चीजें सीखना होता है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। अब यहाँ पे 2 kg 3 kg टोटल कॉस्ट कितना होगा, 2a 3b, यहाँ पे 5% का वो गेन कर रहा है एंड दिस टोटल अमाउंट इज 5 kg एंड सेलिंग प्राइस इज 40, सो दिस वन ऑल्सो इज 200 एंड द टोटल कॉस्ट इज 2a+3b। नाउ 2a+3b का 5% प्रॉफिट, इट मींस 21/20 इक्वल टू 200। सेलिंग प्राइस सेलिंग अमाउंट इज टोटल 200, 21/20। इन दिस एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड देर इज 200 एंड इन दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो 200 इन राइट हैंड साइड, सो वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन। इक्वेट करते हैं इधर एंड वी हैव टू फाइंड रेशियो ए एंड बी, मतलब ए और बी का रेशियो निकालना है। सो 2a+3b 21/20 इक्वल टू 3a+2b 11/10। 0 0 कैंसिल, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम 22। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 42a+63b इक्वल टू 66a+44b। इसको यहाँ ये दैट इज 42a, दिस वन दैट इज 4919b एंड वी हैव टू फाइंड a by b 19/24 है ऑप्शन, हाँ डी 19:24 इज आवर राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, मीडियम कैटेगरी। बस यहाँ पे चीजें समझनी थी कि हाँ यहाँ पे कोई वेरिएबल ना लेकर हम डायरेक्ट इसी को वेट ले लें कि 3 kg और 2 kg में ही मिक्स हुआ है ए और बी, और यहाँ पे भी सेम, बस उसके बाद क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 के सॉल्यूशन के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।